दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुशील मोदी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल मोदी इन्फोटेक। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे स्मोक बर्नर के बारे में। आपने वीडियो के शुरुआत में दो स्मोक बर्नर देखे होंगे जो कि एक गणेश और एक बुद्ध भगवान की प्रतिमा के रूप में था। और स्मोक बर्नर जो यहाँ पर होता है कि इसमें एक स्मोक मतलब धुआं निकलता है। नॉर्मली जो धुआं होता है वो ऊपर की ओर हवा में घुलता है, लेकिन ये जो धुआं होता है ये थोड़ा भारी होता है थोड़ा, तो ये क्या होता है कि पानी के जैसा फ्लो के रूप में ये बहता है। तो ये मैंने अपने ऑफिस में डेकोरेशन के लिए मंगाया हुआ था, तो सोचा कि इसका एक वीडियो भी बना दिया जाए ताकि आप सभी दर्शकों को भी इसके बारे में जानकारी लगे कि क्या इसकी प्राइसिंग है, कैसे ये काम करता है और कितना सुंदर ये लगता है। मैंने यहाँ पर दो पीस मंगाए हुए हैं दोस्तों, जो कि अमेजन से मंगाए हैं। यदि आप खरीदना चाहो तो अमेजन से खरीद सकते हैं, जिसकी परचेज की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। पहला ये जो स्मोक बर्नर है हमारा, ये भगवान गणेश की प्रतिमा के रूप में है। ये आप देख पा रहे होंगे भगवान गणेश की प्रतिमा के रूप में। और इसके साथ 10 ये बर्नर फ्री आए हुए हैं, स्टिक भी इसको बोलते हैं, जस्ट लाइक अगरबत्ती जैसा ये होता है जिससे स्मोक निकलता है। दूसरा जो मैंने यहाँ पर मंगाया हुआ है, इसमें भी 10 ये निकले हुए हैं और ये है भगवान बुद्ध के रूप में है, ठीक है। और वीडियो की शुरुआत में आपने देखा ही होगा ये दोनों कितने बढ़िया वहां पर लगते हैं। अब बात करते हैं कि ये कितने रुपए के आते हैं। दोस्तों जब मैंने लगभग आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ 2019 में, इसके पहले मैंने लगभग एक साल पहले इनको अमेजन वगैरह में सर्च किया था, तो बहुत ज़्यादा प्राइसिंग हुआ करती थी। शायद उस समय ये नए आए थे तो 800-900 रुपए का होता था, लेकिन अभी ये वाला जो पीस है ये 190 रुपए का आया हुआ है अमेजन से। और ये जो भगवान गणेश वाला है ये 210 रुपए का आया हुआ है, तो लगभग 200 रुपए की रेंज में ये दोनों हैं। साथ में इसमें 10 कैंडल आती हैं। अगर आप चाहो तो लोकल मार्केट में यदि नहीं मिलती तो आप अमेजन से और भी परचेज कर सकते हो। करना कुछ नहीं रहता है कि आपको जो ये स्मोक बर्नर के साथ ये कैंडल जो आई हुई हैं इनको जलाना पड़ता है। इसमें नीचे की ओर एक होल होता है, मैं कैमरे में कोशिश करता हूँ दिखाने की, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर एक होल होता है। तो जब हम इसको बर्न करते हैं जलाते हैं तो धुआं जो है इस होल से निकलने लगता है। और ये जो स्मोक बर्नर है या ये जो स्टैचू है इनमें भी एक होल रहता है। जब इनको इस तरह से रखा जाता है तो धुआं जो है उस होल में से, वजन उसका धुएं का ज़्यादा होता है तो वो धीरे धीरे नीचे की ओर बहने लगता है, और जो कि आपको एक वॉटरफॉल के जैसा लुक देता है। तो आइए हम इसमें एक डेमो के रूप में देखते हैं कि ये किस प्रकार से बर्न होने के बाद दिखाई देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करिएगा। इससे संबंधित कोई आपके सवाल हैं तो आप मेरे को कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और यदि आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है, आप वहां से इनको परचेस कर सकते हैं। और शादी या बर्थडे में गिफ्ट देने के लिए ये बहुत ही अच्छा है, रीजनेबल भी है और अभी लगभग एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये यूनिक प्रोडक्ट है। तो आइए देखते हैं कि ये बर्न होने के बाद कितना बढ़िया लुक हमको देते हैं, आइए देखते हैं।